हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री की दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद से सीएम धामी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, साथ ही धामी नौकरशाही को लेकर काफी सख्त रवैया अपना रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिली है, अब उत्तराखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तय वक्त पर ऑफिस आना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कर्मचारियों के समय से काम पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव को सभी कार्यालयों में अविलंब बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने सभी कर्मचारियों से समय पर कार्यालय पहुंचने की अपनी अपेक्षा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अपने एक ट्वीट में कहा, आज सुशासन को लेकर आहूत बैठक में मैंने मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अविलंब बायोमेट्रिक प्रणाली के सुचारू रूप से अनुपालन के लिए निर्देशित किया है। यही नहीं, सीएम धामी के आदेश के बाद कर्मचारी और अधिकारी न सिर्फ तय वक्त पर ऑफिस आएंगे बल्कि समय से ही ऑफिस से वापस जा पाएंगे। इसके अलावा दो दिन गायब होने के बाद फिर आकर हाजिरी लगाने की आदत अब छोड़नी पड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों की लापरवाही खत्म करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद कम समय में काम पूरा कराना है ताकि लोगों की परेशानी कम की जा सके। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।